सुंदरनगर से करीब 15 किलोमीटर दूर सियांजी में एक निजी बस सड़क से करीब 50 फीट नीचे लुढ़क गई, जिसमें 3 दर्जन लोग घायल थे। हादसा रात करीब 8 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार सभी लोग चैल चौक में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे कि अचानक यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत राहत कार्य जारी कर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस और प्रशासन को सूचित किया। तहसीलदार बल जय गोपाल शर्मा और डीएसपी संजीव भाटिया, प्रभारी रामकृष्ण और प्रभारी बल संजीव सू की अगुवाई में पुलिस दल ने मौके पर बचाव कार्य चलाया। वहीं ग्रामीणों ने घायलों को निजी वाहन और 108 एम्बुलेंस से सुंदरनगर नागरिक अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान 2 फायर ब्रिगेड के वाहन भी मौके पर पहुंचे। घायलों के अनुसार बस में करीब 36 लोग सवार थे। सौभाग्यवश इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बस हादसे के दौरान एक छोटा बच्चा दीपक सीट के नीचे फंस गया था, जिसे बाद में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि उसका पैर सीट में फंस गया था और उसे निकालने में रेस्क्यू टीम को काफी देर मशक्कत करनी पड़ी। वहीं एएसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि प्रथम जांच में हादसा सड़क खराब होना बताया जा रहा है और चालक के खिलाफ बल थाना में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना के अंतर्गत सियाजी नामक गांव के पास एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें कुल 32 आदमी सवार थे। सभी 32 आदमी इसमें इंजर्ड हैं। 16 व्यक्तियों को CHC हॉस्पिटल रत्ती में दाखिल किया गया है और 16 व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में दाखिल किया गया है। मामला पुलिस स्टेशन बल में ड्राइवर के खिलाफ दर्ज किया गया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है। हादसे के कारण क्या सर? अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। वैसे प्रिलिमिनरी तौर पे देख रहे तो वहाँ पे रोड थोड़ा तंग होना बताया जा रहा है। वहीं अस्पताल पहुंचकर मंडी के सांसद रामशू शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश चंबाल, ADM विवेक चंदेल, SDM राजीव कुमार, DSP संजीव भाटिया ने घायलों का हाल जाना। वहीं विधानसभा सत्र के चलते CPS सोनलाल ने फोन पर घायलों का हाल जाना। प्रशासन की तरफ से घायलों को फौरी राहत जारी कर दी गई है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।